बीजेपी ने दूसरी लिस्ट अपनी जारी की जिसमें 39 लोगों की सूची जारी की थी, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और सांसदों को भी इसमें जगह दी गई थी। सीधी से सांसद अदिति पाठक हमारे साथ हैं, उनको सीधी से जवाबदारी दी गई है विधानसभा चुनाव लड़ने की। अदिति जी, नया अनुभव कहेंगे इसको कि बीजेपी ने आज तक ऐसा कभी किया नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन को, केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के संगठन को, प्रदेश के नेतृत्व को हृदय से आभार आपके माध्यम से जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये विश्वास जताया है मुझ पर कि जिस क्षेत्र से, जिस जगह से उन्हें पार्टी की ओर से कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं उसको पूरा कर सकूंगी। इसलिए मैं इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही हूं और मुझे आप सबके शुभकामनाओं की जरूरत है। और जो आपने पूछा है कि कितना मैं पूरा कर सकूंगी, 100% मैं पूरा कर सकूंगी। जी, लगातार हमने देखा है कि सीधी में जो पेशाब कांड हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं काफी नाराजगी जो है वहां पर ब्राह्मण समाज के वोटर्स में थी, तो उनको साधने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं रीति पाठक को केदारनाथ के शुक्ला की जगह पर रख दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो भी हुआ है वो देखा है, हमारे नेतृत्व ने, हमारे मुखिया ने उस विषय में जो भी किया है वो बहुत मानवीय दृष्टिकोण से किया गया कार्य था, तो वो विषय अब खत्म हो चुका है और कहीं भी कोई भी ऐसी चीजें नहीं है कि जिनका प्रभाव लगातार और आगे तक होगा, कोई एक किसी एक चूक से आगे तक का भविष्य प्रभावित नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही नेतृत्व ने इतना काम किया है, इतनी योजनाएं बनाई हैं कि जो जन जन तक हर एक परिवार में जाकर सबको सकारात्मक रूप से प्रभावित कर चुका है। इसलिए मैं आश्वस्त हूं, 100% आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः इस निर्णय के कारण एक बार विजय मिलनी है। चलिए, ये थी रीति पाठक जिनका कहना था कि जो कांग्रेस जो एकजुट अगर नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं इसके पतन का कारण भी यही है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ प्रदीप तलरिया, INS 27 भोपाल।